नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। अभी भी हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में मौसम में बदलाव जारी है। कई जगह बारिश है तो कई जगह उमस भरी गर्मी अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में जान लेते हैं कि किन किन राज्यों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है और कहां पर मौसम सामान्य बना रहेगा। नजर डालते हैं मैप की और अगले 24 घंटे का मैप आपके सामने है, जहां पर हम पर्वतीय क्षेत्रों से शुरुआत करते हैं। यहां पर अभी कोई वार्निंग नजर नहीं आ रही, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और साथ ही दिल्ली एनसीआर का जो ये रीजन है, यहां पर हम देख रहे हैं अभी कोई वार्निंग नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की बात करें तो ये वो राज्य जहां पर पिछले कई दिनों से बारिश का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी छिटपुट बारिश हो रही है और हवा की तेज गति लगातार देखने को मिल रही है। गुजरात की बात कर लेते हैं। देखिए, गुजरात में भी जिस तरीके से 24 घंटे पहले जो स्थिति थी वो अगले 24 घंटे के लिए भी देखने को मिल रही है और यहां पर आप देख सकते हैं कि बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि इस बार बहुत तेज बारिश हुई, जिसका असर किसानों की फसलों पर बहुत ज्यादा देखने को मिला और अभी भी अक्टूबर के इस महीने में यहां पर कई ऐसे इलाके हैं जो बारिश का जो सितम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोंकण गोवा में भी बहुत तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक में भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। नीचे बात करते हैं अगले राज्यों की, केरल और तमिलनाडु पुडुचेरी, यहां पर भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और दक्षिणी राज्यों में हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि अभी भी बारिश को लेकर अलर्ट लगातार देखने को मिल रहा है। असम मेघालय की बात कर लेते हैं, यहां पर भी हवा की तेज गति देखने को मिलेगी। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नॉर्थ की साइड भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अच्छी खासी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर जैसे कि कहा जा रहा था कि एक साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में तो अभी मौसम सामान्य है, लेकिन जिस तरीके से खबर जो निकलकर सामने आ रही थी कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों पर कई जगह पर हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जिससे कि मौसम में बदलाव हुआ, ठंड का एहसास लोगों को थोड़ा बहुत देखने को मिला है। अब ऐसे में आपको बता दें कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं, अक्टूबर का महीना अब बीच की स्थिति में है, पखवाड़ा खत्म हो चुका है पहला, अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि फिर से मौसम में बदलाव होगा और लोगों को हल्की बहुत ठंड का एहसास हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। किसान तक खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।